कल तो मेरे बच्चे लोग की पिकनिक है, पिकनिक जाने वाले कल है ना। स्कूल से मैसेज आया, क्या आया? पिकनिक पोस्टपोन हो गई। ये तो मोई मोई हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखो आसिफ हो गया है रेडी स्कूल के लिए, और इन लोग भी उठ के है ना, नमाज़ वगैरह सबकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और इन लोग उठ गए हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों का आज है पिकनिक का टाइम। और इससे पहले मोए मोए इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों का पिकनिक था 3 दिन पहले, तो जब हो गया था पिकनिक उन लोगों का पोस्टपोन, और पिकनिक ये लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ही पिकनिक हो गया था पोस्टपोन, तो थोड़ा सा मूड उन लोगों का ख़राब हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, 3 दिन का स्ट्राइक लगा था एक्चुअली, इसलिए पोस्टपोन किया गया था पिकनिक को। तो अब आ गया फाइनली लोग के पिकनिक जाने का टाइम। तो यहाँ पे आसिफ हो गया है रेडी, तो आसिफ को मैं छोड़ के आऊँगी पहले स्कूल। और यहाँ पर अंधेरा कितना था देखो, जबकि 7:45 बज रहा था लेकिन कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो पहले आसिफ को मैं लेके जाऊँगी स्कूल, फिर इन लोगों को लेके जाऊँगी लोग पिकनिक डेस्टिनेशन पर। खुशी से दिखाओ जरा। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया फाइनली। जिस दिन का इंतजार था वो फाइनली आ गया। चल हो गया, हो गया पक्का। 50-50 बराबर है ना? बराबर है। फुल बैग में डाल। तेरा उधर क्या है? जो बोल रहा था उधर, हाँ हाँ जो उधर बोल रहा था बोल। अरे अच्छा तक सारे बेचारे के बैग ही भूल गया। चलो ना देखते ना। चलो चलो चलो। आलिया तवक्कल। बच्चे लोग तो चले गए पिकनिक, अब उन लोग के आने का भी टाइम हो रहा है। तो स्कूल से मैसेज आ गया है कि बच्चे लोग की बस सिलफाटा तक आ गई है, तो आके ऑन टाइम बच्चों को कलेक्ट कर लो। तो बस ना 5:30 तो हो ही गया है, तो मैं निकल रही फटाफट उन लोग को लेने। छोड़ने के टाइम तो नहीं गए इसके अबू, तो मैं बोली अब कम से कम लेने तो चलो। तो बस मैं निकलते हैं उन लोग को लेके आती हूँ। बात करते करते टीचर का फ़ोन आ गया, उसकी देर में मैंने निकलना पड़ा। मतलब ड्राइवर लोग आ चुके हैं, छोड़ के खाली बच्चे खड़े। बच्चे खड़े, बच्चे खड़े, बच्चे खड़े, बच्चे खड़े।
होटल लायबा यही होगी पूरा घूमे कि नहीं घूमे क्या करे घर पे घर पे अच्छा ये एक दिन के पिकनिक का टैग है वो जैसे अपने को मिलता है ना रहने का भी होता है जैसे एसएल वाले वगैरह रह भी सकते अब वो स्टे का सोच रहे हैं चलो बैठा चलो चलते बात करता हूँ हम लोग पीछे बैठे हैं है भाई मैं मजा आई ना हाँ वहाँ पे है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आदिब को बहुत आया उठा सुबह से सो के अभी उठा मेरा बेटा बंद कर अच्छा रियल है मतलब सब पता है मतलब बाड़ा बोलते हैं उसको कोठा बोलते मराठी में और ये क्या बोलते हैं मजा आई खूब इंजॉय करे टीचर्स लोग ने वीडियो लिए होंगे ना तो वो मंगा इसमें अपन क्लिप ऐड करके और फिर ना मैं एडिट करती हूँ ठीक है गाय के बच्चे से खेल रहा था मैं रियल में खेला और अभी तुमको पता है वहाँ पे ना पूरा बता रहे थे हम लोग ऐसे खाद बनाते हैं उसके अंदर हाँ तो वो भी तो इन्फॉर्मेशन है ना तो अच्छी बात है ना पता है अर्थवर्म छूने भी दे रहे थे तुमको पता है क्या तो अबू भी हाथ से पकड़ते सुनो ना क्या बोले अंकल ने कि किसको छूने अर्थवर्म फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है हाँ अरे सुनो ना अंकल ने बोले किसको छूनेगा अर्थवर्म तो मैं हाथ उठाया और मैं जाके छू के भी आया उसका हाथ में लिया मैंने हां काफी सो मैंने क्रैकिंग की अरे रे तो वीडियो कोई बनाया शायद हां मैं क्लास को बना रही हूं अच्छा पानी क्या था क्या ठंडा था ना ठंडा ठंडा तो लोगों रेन डांस इतना बड़ा है ना बाप रे क्या ठंडा पानी बाप रे कितने पूल है चार है दो अलग है दो अलग है और एक को डिवाइड किए और तीन था एक छोटा था एक बड़ा एकदम सबसे बड़ा था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है पिकनिक का जो देख कर आए घूम के आए एक्सप्लेनेशन चल रहा है कबीले भी देखे हम लोग ने अच्छा अब रुकने का सोच रहे मतलब वहाँ पे है ना हाँ हाँ सोच रहे अब बोले स्टे के लिए जाएंगे इंशाल्लाह अब कब वो तो नहीं बोल सकती लेकिन जाने बोल रहे है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है वो जगह पे इसके लिए पिकनिक लेकर गए थे अच्छी बात है ना चलो चेंज कर रहे फटाफट तुम लोग नहा नहा के लो फ्रेश हो उसके बाद बात करते हैं